जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हों उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। फिर भी जब इस तरह के हादसे होते हैं तो डरना या सहमना आम बात है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर दिल सहम गया। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद के एक स्कूल की छत गिर गई, वो भी तब जब बच्चे वहां पढ़ रहे थे और स्कूल चल रहा था। मामला शाहजहानाबाद के रामनगर के एक शासकीय मिडिल स्कूल का है जहां बड़ा हादसा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की जान पर बात नहीं बनी। शासकीय मिडिल स्कूल में चलती क्लास के दौरान स्कूल भवन की छत का छज्जा गिर गया। इस हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। हादसे के बाद कक्षा में पढ़ रहे बच्चे बुरी तरह से डर गए। जर्जर भवन का छज्जा गिर जाने से छात्र और शिक्षिका के घायल होने की जानकारी भी मिली है। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन छज्जा गिरने के वक्त मौजूद छात्रों में दहशत का माहौल है। हम लोग पढ़ रहे थे तभी अचानक से छत गिरी तो मैम को लगी और दो बच्चों को चोट लगी है। दो मैम बैठी थी, बस एक मैम को चोट लगी और मैम एक से। इन नन्हे मासूमों की जान के साथ इस तरह का रिस्क लेना कितना जायज है? ये बच्चे जिस स्कूल में बैठकर पढ़ रहे थे वहां पर वो जर्जर भवन था। एक ऐसे जर्जर भवन में बच्चे शिक्षा लेने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की गलती और कमियां तो है ही। सवाल ये उठता है कि अगर इस हादसे में किसी की जान पर बात बन आती, क्या तब प्रशासन नींद से जागता? वीके न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।